सर so, बच्चों को नमस्कार आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 35 क्लास चटी विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स वी आर रिवाइजिंग दिस वर्कशीट लीव्स लीवस फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंस इन इट दैट इज क्लोरोफिल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस एंड द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो इसके बेसिस पे वी हैव टू आंसर हाउ इज मेकिंग ऑफ फूड By us is different from making of food, both the plants by leaves. So plants making their food from the raw materials like carbon dioxide and water, and we are dependent on them, not synthesizing it. Question number one: Complete the given process. Carbon dioxide plus water in presence of chlorophyll and sunlight will give you glucose and oxygen. Potato stores food in the form of starch. You have to correct the following statement: stem absorbs water and miller from the soil. So instead of stem, you will write roots. Leaves hold the plant upright. Here also you will write instead of leaves roots. Roots conduct water to the leaves. So instead of root, you will write stem. Now the question number three, you have to draw a label diagram. So this is your label diagram. You can see from here. You have to draw this diagram. Question number four: again, you have to draw a label diagram of a flower. लेबलिंग द डिफरेंट पार्ट्स सो यू कैन ड्रो दिस डाइग्राम नाउ वील डिस्कस इट इन दिंदी ऑल्सो पत्तियों सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और पत्तियों का द्वारा बना हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों में संचित होता है पहला प्रश्न है डैश प्लस पानी क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश डैश प्लस ऑक्सीजन तो आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और शकरा प्लस ऑक्सीजन आलू भोजन को मंड के रूप में संचित करता है निम्नलिखित कथनों को सही करना है तने मिट्टी से पानी और खनिज लवणों को अवशोषित या सौखते हैं तो तने की जगह जड़ लिखना है आपने दूसरे में पत्तियाँ पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं तो इसमें भी पत्तियों की जगह जड़ लिखना है और तीसरे में जड़ें पत्तियों में पानी का संवहन पूर्ण करती हैं तो जड़ों की जगह तना लिखना है उसके बाद में आपको चित्र बनाना है एक वास्तुसर्जन का तो आप ये चित्र बनाएंगे उसके अंदर और एक फूल का नामांकित चित्र बनाना है तो आप ये चित्र बनाएंगे उम्मीद करते हैं वर्कशीट आपको पसंद आई होगी देखने के लिए धन्यवाद